सो हेलो गाइज, आज का वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम करने वाले कुछ इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग जो दिखने में काफ़ी मस्त और काफ़ी आसान है। तो बस आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए और बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले आपको लाइटरूम ऐप ओपन कर देना है एंड आप जो भी फ़ोटो एडिट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर दिया। तो गाइज, उसके बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपको लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर ऊपर जो एक्सपोजर का ऑप्शन है उसको इंक्रीज़ कर देना है। तो यहाँ पे मैं इतना इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 50 एंड कंट्रास्ट को कर देना है माइनस की तरफ, तो आपको इतना कर देना है और हाईलाइट को भी माइनस की तरफ कर देना है। तो यहाँ पर इतना कर दिया एंड शेडो को कर देना है आपको इंक्रीज़। उसके बाद यहाँ पे वाइट वाला जो ऑप्शन है उसको भी आपको इंक्रीज़ कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ऐड रख दिया एंड ब्लैक को कर देना है इंक्रीज़। तो गाइज, आपको कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर देना है एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन कलर वाले पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज, सबसे पहले आपको टेम्परेचर को कर देना है इंक्रीज़ एंड उसके बाद टिंट को भी माइनस की तरफ कर देना है और वाइब्रेंस को आपको फुल इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 95 रख देता हूँ और सेचुरेशन को कर देना है माइनस की तरफ। तो गाइज, उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन कलर मिक्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड सबसे पहले रेड कलर की ह्यू को आपको कर देना है इंक्रीज। तो यहाँ पर मैंने इतना कर दिया और इसकी लुमिनस को कर देना है माइनस की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ऑरेंज कलर पर क्लिक कर देना है एंड इसकी ह्यू को कर देना है माइनस की तरफ और सेचुरेशन को भी माइनस की तरफ कर देना है। और उसके बाद लुमिनस को आपको इंक्रीज कर देना है और आप अपने फ़ोटो के हिसाब से भी रख सकते हैं, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है येलो कलर और इसकी ह्यू को कर देना है माइनस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 87 रख दिया एंड सेचुरेशन को भी आपको माइनस कर देना है। और गाइज, उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है ग्रीन कलर एंड इसकी ह्यू को कर देना है -100 एंड सेचुरेशन को भी -100 कर देना है। और उसके बाद आपको सियान कलर सेलेक्ट कर देना है एंड इसकी ह्यू को कर देना है प्लस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 92 रख दिया एंड सेचुरेशन को भी आपको इंक्रीज कर देना है और इसकी लुमिनस को आपको हल्का सा माइनस कर देना है। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है डार्क ब्लू कलर एंड इसकी ह्यू को कर देना -100 एंड सेचुरेशन को भी आपको फुल इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 83 रख दिया और उसके बाद आपको कर देना सीधा डन। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन इफेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इफेक्ट पर क्लिक कर दिया एंड सबसे पहले आपको इसकी क्लेरिटी को कर देना इंक्रीज एंड यहाँ पे इसकी वेगनेट को कर देना माइनस की तरफ। ओके गाइज, तो यहाँ पे मैंने वेगनेट को माइनस कर दिया एंड उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन डिटेल पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे इसकी शार्पनिंग को कर देना है इंक्रीज। और उसके बाद गाइज, आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे मास्किंग का जो ऑप्शन है उसको इंक्रीज कर देना है और उसके बाद इसके नीचे नॉइस रिडक्शन का जो ऑप्शन है उसको भी इंक्रीज कर देना है। इससे हमारा फेस जो है ऑटोमेटिक स्मूथ हो जाता है। उसके बाद गाइज, आपको फिर से कलर वाले ऑप्शन पर आ जाना है एंड ऊपर जो कलर ग्रेडिंग का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे थर्ड नंबर का जो हाईलाइट वाला ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे बीच में से पकड़ के ब्लू वाले सर्कल में लाके इसे छोड़ देना है। तो देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से आपको कर देना है। तो गाइज, उसके बाद आपको कर देना है सीधा डन। तो गाइज, हमारी फ़ोटो जो है कम्प्लीट एडिट हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। और गाइज, पहले से काफ़ी बेहतर बन चुकी है और हमारी फ़ोटो में जो है एक सिनेमास्टिक टोन क्रिएट हो चुकी है। तो गाइज, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।